पीएचए अपने वसाल से अपना कारोबार चलाए और मुलाजमीन को तनख्वाहें दे। हुकूमत पंजाब ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को फंड्स देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब पीएचए बहावलपुर इन एक्शन, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बिजनेस प्लान तश्कील दे दिया। पार्क्स में मैकेनिकल झूले लगाने और टिकट वसूल करने का फैसला। डीजी आसिफ हयात लोधी का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में पीएचए अपना शेयर वसूल करेगी। मुल्तान दमदमा की छत पर मॉडल फूड पॉइंट के मंसूबे पर अमली पेशरफ। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने दमदमे पर तफरीही माहौल फराहम करने के लिए फूड कंपनियों को नीलामी में शिरकत की दावत दे दी। कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम 4 नवंबर को नीलामी मुकम्मल की जाएगी। फूड पॉइंट के कयाम से मुल्तान की सकाफत और सियाहत को फरोग हासिल होगा। और मुल्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार स्पोर्ट्स ग्राउंड की भी सुनी गई। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा ने 15 नवंबर तक स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। डीएसओ मुल्तान अदनान नईम का कहना है कि ग्राउंड की पिच के लिए नंदीपुर की मिट्टी मंगवा ली है। ग्राउंड की पवेलियन में टफ टायर लगाने का काम भी जारी है।